इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड मर्सीफुल। फ्रेंड्स, जो आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट ऑफ आरएलसी, यानी आरएलसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, फ्रेंड्स दैट इज द नेम ऑफ द आर्टिकल। नाउ फ्रेंड्स कम टू द डायग्राम हियर। फ्रेंड्स इस डायग्राम में देख रहे हैं आप, हमारे पास फोर कंपोनेंट्स हैं। ये एसी वोल्टेज सोर्स है, ये हमारे पास और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स, एंड देन वी हैव द रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये आप देख रहे हैं कि ये पैरेलल कनेक्टेड है एसी वोल्टेज सोर्स के साथ। फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेलल सर्किट में आप सारे जानते हैं कि इसमें वोल्टेज की वैल्यू जो है वो सेम रहती है, यानी हर कंपोनेंट के लिए वोल्टेज की वैल्यू स्टूडेंट सेम रहेगी। मैं कहता हूं कि वी की वैल्यू जो है वी इज सेम, वी सेम होगा, और यहां से करंट की वैल्यू हर कंपोनेंट के लिए डिफरेंट होगी। अब फ्रेंड्स आई आर एम एस जो करंट है हर कंपोनेंट में, इसे मैं यहां से आई से ज़ाहिर करूंगा, आई दैट इज आई आर एम एस। अब इसमें से जो करंट पास हो रहा है रेजिस्टर में, इसे मैं कहता हूं आई आर, और जो इंडक्टर में पास हो रहा है दैट इज आई एल, और जो यहां से कैपेसिटर में पास हो रहा है दैट इज आई सी। यानी इसका मतलब यह हुआ कि पैरेलल सर्किट में स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज रिमेन्स द सेम फॉर ईच कंपोनेंट, लेकिन करंट की वैल्यू जो है वो हर कंपोनेंट के लिए डिफरेंट होगी, यानी करंट यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा। आई इज द टोटल करंट और ये डिवाइड हो गया आई आर, आई एल और आई सी में। फ्रेंड्स आपको पता है कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एसी थ्रू रेजिस्टर में कि करंट और वोल्टेज जो है देयर इन फेज, यानी दोनों इन फेज होते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें आई और वी जो है दे लाइंग ऑन सेम लाइन सेम डायरेक्शन, तो दे आर इन फेज। और अगर आप इंडक्टर की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स इंडक्टर में आप जानते हैं कि करंट इज लैगिंग द वोल्टेज, और इसे हम आईएल कहेंगे, यानी करंट जो है वो लैग करता है वोल्टेज को। और कैपेसिटर में भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसी थ्रू कैपेसिटर में कि इसमें करंट इज लीडिंग, करंट जो है ये लीड करता है वोल्टेज, क्योंकि सेम है तो सभी में बी मैंने यहां पर मेंशन किया। दोबारा से देखिएगा इस पर्टिकुलर डायग्राम में, वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये हम देख रहे हैं कि एसी वोल्टेज सोर्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, टोटल करंट आई है, आई आर एम एस को मैंने आई लिखा हुआ है, और इसी तरह इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बी की वैल्यू स्टूडेंट सभी के लिए सेम रहेगी, क्योंकि पहले सर्किट में आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस या बी की वैल्यू जो है वो हर कंपोनेंट के लिए सेम होगी, सिर्फ करंट डिवाइड होगा, यानी आई इज द टोटल करंट, इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो आई आर है, और इसमें जो करंट पास हो रहा है आई एल है, और इसमें से करंट जो पास हो रहा है आई सी है। मैंने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज जो है वो इन फेज होते हैं, ये आप देख रहे हैं कि एक ही लाइन पर लाई करता है, और इंडक्टर में आप जानते हैं कि करंट जो है वो लैग करता है, वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय पाई बाय टू, लेकिन कैपेसिटर में आपको पता है कि करंट जो है वो लीड करता है वोल्टेज बाय पाई बाय टू, आई सी से मेंशन किया हूं, तो वोल्टेज जो है वो हर एक में सेम रहता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स के जो इंडक्टर है स्टूडेंट्स, इट ड्रॉज अ लैगिंग करंट फ्रॉम द सोर्स, और कैपेसिटर जो है इट ड्रॉज लीडिंग करंट फ्रॉम द सोर्स, ये सोर्स से लीडिंग करंट लेगा। अब श्योरली जब ये लीडिंग करंट और लैगिंग करंट ड्रॉ फ्रॉम द सर्किट इस सोर्स से लेते हैं, तो स्टूडेंट्स द कैंसल आउट, ये दोनों जो है ये एक दूसरे करंट को कैंसिल आउट कर देंगे, और एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, यानी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हम रेजोनेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, रेजोनेंस कंडीशन में हम जानते हैं कि एक्सएल जो है दैट बिकम इक्वल टू एक्ससी, यानी एक्सएल और एक्ससी जो है रेजोनेंस कंडीशन में दे बिकम इक्वल, ये दोनों बराबर हो जाते हैं स्टूडेंट्स, यानी एक्सएल और एक्ससी ये दोनों जो है रेजोनेंस कंडीशन में दे इक्वल, और उसकी रीजन मैंने यहां पे बता दी कि इंडक्टर जो है इट ड्रॉज लैगिंग करंट फ्रॉम द सोर्स,
और कैपेसिटर जो है ड्रास लीडिंग करंट फ्रॉम दी सोर्स दे कैंसिल आउट और यहां पे रेजोनेंस कंडीशन विल टेक प्लेस एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी को हमने यहां पे ट्रेस आउट करना है जिसे हम एफ आर का नाम देते हैं, यानी जिसे हम एफ आर कहते हैं, ये फ्रीक्वेंसी हमारा टारगेट होगी, इसकी वैल्यू को हमने चेक करना है। अब सुना यहां से इनकी वैल्यू लगा दें तो यहां से आप ये कहेंगे कि एल ओमेगा आर लिखेंगे और यहां से ये भी हम पढ़ चुके हैं कि वन ओवर ओमेगा सी ओमेगा आर सी, तो यहां से आप देख रहे हैं एल ओमेगा आर, आर फॉर रेजोनेंस कंडीशन रेजोनेंस, और वन ओवर ओमेगा आर सी, तो दे क्रॉस मल्टीप्लाई से यहां से ये रह जाएगा जी ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू वन ओवर एल सी। अब हमारा टारगेट ये है कि हम यहां से कैलकुलेट करना चाहते हैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, दैट्स अवर टारगेट। यू विल टेक दी स्केयर रूट ऑफ ऑन बोथ साइड्स, तो यहां से आप स्केयर रूट अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां से वन ओवर एल सी स्केयर रूट आ जाएगा। अब देखिए ये ओमेगा आर है, इसे आप कहते हैं कि ये एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड में, इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड, लेकिन हम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी यहां पे चेक करना चाहते हैं कि पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ओमेगा आर बराबर होता है टू पाई एफ आर के इक्वल, तो यहां से ये बराबर हो गया वन ओवर एल सी स्क्वायर रूट। अब एफ आर हमारा टारगेट है जिसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, और यहां से अगर आप एफ आर की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा वन ओवर टू पाई एल सी स्क्वायर रूट, वन ओवर टू पाई एल सी स्क्वायर रूट, सो दैट फ्रीक्वेंसी इज नेम्ड एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं और ये एफ आर के बराबर है। तो उस वजह से ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जिसका मैंने जिक्र किया कि जिस पे एक्स एल और एक्स सी जो है बोथ भी कम इक्वल, ये दोनों बराबर हो जाते हैं और रेजोनेंस कंडीशन टेक्स प्लेस, और रेजोनेंस स्टेट जो है वो यहाँ पे टेक्स प्लेस होती है, और ये हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई वन ओवर आई मीन एफ आर इज इक्वल टू वन ओवर टू पाई एल सी के रूट के बराबर होती है। स्टूडेंट्स यू मस्ट नो अबाउट दिस। अब स्टूडेंट ये तो हमने यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट किया कि एसी वोल्टेज सोर्स को एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एफ आर पे जाके ये रेजोनेंस कंडीशन टेक्स प्लेस और एफ आर की वैल्यू ये बराबर होगी वन ओवर टू पाई एल सी स्क्वायर रूट। अब मैं यहां पे फेजर डायग्राम इस पर्टिकुलर सर्कल के लिए ड्रा करता हूं स्टूडेंट्स, फेजर डायग्राम अब फेजर डायग्राम में स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि करंट रेजिस्टर में करंट एंड वोल्टेज दे आर इन फेज, तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं, ये वी आर हम कहेंगे और इसको हम आई आर भी कह सकते हैं बिकॉज दे आर लाइंग ऑन सेम लाइन, दे आर इन फेज तो एक ही लाइन पे लाई करेंगे, और लेकिन आपको पता है कि कैपेसिटर में करंट इज लीडिंग द वोल्टेज, तो करंट यहां से अपर एंड पे आप ड्रा करेंगे और इसे हम आई सी कहेंगे, अपर एंड पे करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय पाई बाय टू, ये 90 डिग्री आर पाई बाय टू, और सेकंडली इंडक्टर में आप देख रहे हैं कि करंट इज लैगिंग द वोल्टेज, तो करंट जो है ये लैग करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोअर एंड पे होगा, यानी करंट इज लैगिंग द वोल्टेज, आई एल से दार करेंगे और ये एंगल जो है ये पाई बाय टू या 90 डिग्री के बराबर होगा। तो फेजर डायग्राम में ये स्टूडेंट्स ये चीज हमें नजर आ रही है कि करंट जो है करंट एंड वोल्टेज दे आर लाइंग ऑन सेम लाइन आई मीन देयर इन फेज, और कैपेसिटर में आप जानते हैं करंट इज लीडिंग द वोल्टेज, ये वोल्टेज एक्सिस है, तो करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय पाई बाय टू और 90 डिग्री, और आप देख रहे हैं कैपेसिटर में इंडक्टर में करंट इज लैगिंग द वोल्टेज आई एल, सो दैट इज लैगिंग द वोल्टेज बाय पाई बाय टू आर 90 डिग्री। तो यहां पे अगर आप दोनों को सम अप करते हैं इन दोनों को तो ये हमारे पास 180 डिग्री आ जाता है। तो यहां से हमें ये क्लियर हो गया कि आई सी एंड आई एल देयर इन
दे आर आउट ऑफ फेज. आई मीन ये दोनों जो है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, ये अपर एंड पे है, ये लोअर एंड पे. तो यहां से हमें ये फेजर डायग्राम जो है इस पर्टिकुलर केस के लिए, जिसे हम पैरेलल रेजोनेंस सर्किट ऑफ आरएलसी कहता है, और उसके लिए ये फेजर डायग्राम स्टूडेंट्स आपको क्लियर होने चाहिए. अब यहाँ पे हम जिक्र करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज का स्टूडेंट्स, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है. लुक एट दैट स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर्टीज को मैं यहां पे डिस्कस करने लगा हूं, गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स. प्रॉपर्टीज में आप ये कहेंगे कि वी आर द प्रॉपर्टीज या करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट. नंबर वन इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, हमने एफ आर की वैल्यू को कैलकुलेट किया 1/2π एल सी स्क्वायर रूट. तो ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं स्टूडेंट्स. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर इज इक्वल टू 1/2π एल सी स्क्वायर रूट के बराबर होगी. स्टूडेंट्स नंबर टू पे हम यहां पर डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर केस के लिए, क्योंकि ये सर्किट जो है ये पैरेलल है, और पैरेलल के लिए अगर आप इक्विवेलेंट डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो स्टूडेंट्स ये 1/re इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3. अब इसके लिए वैल्यूज को अगर आप इंसर्ट करें तो इसकी जगह पे 1/z आएगा, इंपीडेंस इसे आप कहते हैं. और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यहां पर रेजिस्टेंस का अब यहां पे स्केयर लेंगे 1/r² प्लस 1/ यहां पे आप xl ले लें और माइनस 1/xc और ये स्क्वायर स्केयर रूट अप्लाई कर दें. सो 1/z इसी को मैंने इस फार्मूले को अप्लाई किया स्टूडेंट्स. 1/r इज इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3. और इसके क्योंकि इसमें थ्री कंपोनेंट्स हैं और उनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस जो होती है वो इंपीडेंस कहलाती है स्टूडेंट्स. 1/z 1/r² प्लस 1/xl² माइनस 1/xc². तो इसको दे कैंसिल आउट, ये स्टूडेंट्स ये दोनों जीरो कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों. एंड यू लेफ्ट वी लेफ्ट ओनली 1/z इज इक्वल टू 1/r² प्लस 0, दे कैंसिल आउट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं. अब स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास 1/z इज इक्वल टू 1/, अब देखिए स्केयर जो है वो स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से ये 1/r रह गया, यानी 1/z इज इक्वल टू 1/r के इक्वल. अब इसको 1/z को आप एडमिटेंस कहते हैं, यानी आप ये कहते हैं कि दैट इज द एडमिटेंस, सो दैट इज नेम्ड एज एडमिटेंस. और इसको हम इंपीडेंस जी को इसको इन्वर्स कर दें तो जी इज इक्वल टू आर. तो यहां से हम ये कह सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में कि जी इज इक्वल टू आर के इक्वल, यानी इंपीडेंस जो है इस पर्टिकुलर केस में एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो सर्किट है इट बिहेव्स लाइक रेजिस्टिव सर्किट. तो यहां पे हमें ये पता चल जाता है कि इस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस कंडीशन पे एट रेजोनेंस या एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द सर्किट इज रेजिस्टिव सर्किट, सर्किट जो है ये रेजिस्टिव होगा. दोबारा से देखिएगा स्टूडेंट्स, हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की. प्रॉपर्टीज क्या है स्टूडेंट्स, लुक एट द केस हियर, वी हैव द प्रॉपर्टीज. नंबर वन इज देयर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय एफ आर इज इक्वल टू 1/2π एल सी स्क्वायर रूट. और यहां से आप इक्विवेलेंट डिस्टेंस की अगर आप बात करें कि यह सर्किट जो है ये रेजिस्टिव है या नहीं है, तो इसके लिए आप जानते हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है. 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3. और यहां पे क्योंकि थ्री कंपोनेंट्स आपने लगाए हुए और सम ऑफ दी इनकी रेजिस्टेंस जो है इसे हम इंपीडेंस कहते हैं, तो 1/z इज इक्वल टू 1/r²
प्लस वन ओवर एक्स एल माइनस वन ओवर एक्स सी स्केयर, तो दे कैंसिल, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों स्टूडेंट्स इनवर्स हैं तो दे कैंसिल आउट, आंसर इज जीरो। तो वन ओवर जी इज इक्वल टू वन ओवर आर, वन ओवर जीरो को आप एडमिटेंस कहते हैं, और इसमें आप ये कहते हैं कि जी इज इक्वल टू, इसको इनवर्स कर दें तो जी इज इक्वल टू आर। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि दिस सर्किट इज एट रेजोनेंस कंडीशन या एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिस सर्किट इज रेजिस्टिव सर्किट। तो ये सर्किट जो है ये रेजिस्टिव सर्किट होगा, ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। अब आ जाते हैं जी प्रॉपर्टी नंबर थ्री, पे आप कहते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में इंपीडेंस इज मैक्सिमम, यानी एट रेजोनेंस इंपीडेंस इज मैक्सिमम। अब देखिए स्टूडेंट्स इंपीडेंस कैसे मैक्सिमम होगी, लुक एट द डायग्राम। अब देखिए एट रेजोनेंस पे ये आप जानते हैं कि एल और सी जो है दे कैंसिल आउट, ये दोनों जो है एक में करंट लीड कर रहा है एक में करंट लैग कर रहा है, इसमें लैग कर रहा है इसमें लीड कर रहा है, तो दे कैंसिल आउट, ये दोनों जो है ये एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देंगे, और यहां पे सिर्फ एक रेजिस्टर रह जाएगा स्टूडेंट्स, ये रेजिस्टर यहां पर रह जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो है ये वाला सर्किट जो है इट बिहेव लाइक ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट उसको कहते हैं कि जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिट होती है, यानी रेजिस्टेंस करंट इसमें से पास नहीं होगा, करंट जो है वो इसमें से पास होगा, यानी रेजिस्टर जो है ये सिर्फ इस सोर्स से करंट लेगा और बाकी जो करंट है वो इधर नहीं जाएगा। मैंने ये बताया कि दे कैंसिल आउट ईच अदर, तो दे विल नॉट ड्रा एनी करंट फ्रॉम दिस सर्किट, तो ये सिर्फ जो है रेजिस्टर जो है ड्राज ओनली रेजिस्टर ड्रा द करंट फ्रॉम दी सोर्स, तो इसलिए इसमें इंपीडेंस की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, मैक्सिमम होगी। और जब आप इंपीडेंस की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो स्टूडेंट्स करंट की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। सो करंट इज मिनिमम, करंट इज मिनिमम, यू मस्ट नो अबाउट दिस, करंट जो है वो इस केस में मिनिमम होगा। नंबर फोर, में स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि पावर फैक्टर जो है इस केस में किसके बराबर होगा, पावर फैक्टर की हम बात करेंगे। पावर फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस थीटा, इसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। अब देखिए एट रेजोनेंस अभी आपने पढ़ा कि दिस सर्किट बिहेव लाइक रेजिस्टिव सर्किट, यानी रेजिस्टिव सर्किट के तौर पे बिहेव करता है, और ये रेजिस्टिव सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा। यू मस्ट नो अबाउट दिस वन, ये एट रेजोनेंस पे ये सर्किट जो है ये पैरेलल सर्किट जो है ये रेजिस्टिव सर्किट के तौर पे बिहेव करता है, और रेजिस्टेंस में आप जानते हैं कि रेजिस्टर में क्या होता है कि करंट एंड वोल्टेज दे आर इन फेज, यानी करंट एंड वोल्टेज दे आर इन फेज, और दोनों इन फेज होते हैं, तो स्टूडेंट्स इन फेज का मतलब यह है कि दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, सेम डायरेक्शन, और जब सेम डायरेक्शन हो तो थीटा की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, जीरो डिग्री होती है, और जब जीरो डिग्री हो तो स्टूडेंट्स यहां पर कॉस जीरो आप इंसर्ट करें तो कॉस जीरो किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, वन के बराबर होगा। तो इस केस में पावर फैक्टर जो है ये स्टूडेंट्स पावर फैक्टर दैट इज इक्वल टू वन, सो पावर फैक्टर इज इक्वल टू वन आर यूनिटी, यानी इस केस में पावर फैक्टर की वैल्यू जो है ये स्टूडेंट्स वन आर यूनिटी के बराबर होगी। अब इसकी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक में स्टूडेंट्स ब्रांच करंट्स, यानी जो ब्रांच करंट्स हैं आईएल एंड आईसी, नंबर लास्ट आईएल एंड आईसी, दैट मे बी ग्रेटर देन, मे बी लार्जर देन सोर्स करंट, सोर्स करंट
इससे ये स्टूडेंट्स लार्ज होते हैं। अब इसकी रीजन क्या है कि लार्ज किस तरह से होते हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों, अब देखिए ये इंडक्टर और कैपेसिटर जो है, इंडक्टर एंड कैपेसिटर दे आर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस होते हैं स्टूडेंट्स, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं। अब सीधा सी बात है, अगर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं तो रेजिस्टर जो है ये इस सोर्स से करंट लेता है, और आप ये आपको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस जो है ये करंट प्रोवाइड करते हैं, यानी डिस्चार्जिंग में, ये डिस्चार्जिंग केस में कैपेसिटर जो है ये सर्किट को करंट प्रोवाइड करता है, तो इसलिए आईसी और आईएल ब्रांच करंट जिसकी मैं बात की है दैट इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर होता है किसी सोर्स करंट से भी। वी हैव द लास्ट प्रॉपर्टी, आई मीन नंबर 6 इज देयर, सो एज वी ड्रा द ग्राफ बिटवीन द करंट एंड फ्रीक्वेंसी, सो ऑन दिस एक्सिस वी हैव द करंट इज देयर and that is the origin, and in this case we have the, on this axis we take the frequency. So as ye parallel resonant circuit jo hai, that is the reverse of series resonant circuit ke ye reverse hai, to isme jo graph hai ye students yahan pe aapko maine pehle bhi bataya ki isme jo current hai wo minimum hai, aur isme at resonant frequency, so that is the resonant frequency FR, at this frequency the current is minimum, so that is IR, sirf resistor mein current pass hota hai, to isliye iski value jo hai ye minimum hai students at resonant frequency. To uske baad ye aap dekh rahe hain ki yahan pe resonant frequency pe current minimum hota hai aur IR resistance mein se sirf current jo hai wo pass hota hai, and that is the number 6. Thank you.